नमस्कार दोस्तों मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है दोस्तों हमें आपके लिए जेआईबी और डीवीएफ का वन स्टॉप सॉल्यूशन फ्रेंड्स ये एक हम वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें हर अल्टरनेट डे पे हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ये वीडियो लेक्चर आपका थर्ड पेपर जो है एल लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग का है इसमें हम पार्टनरशिप का चैप्टर इसमें कवर कर रहे हैं डिटेल वीडियो हमने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है इसके एमसीक्यू हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला सवाल लेते हैं देखिए द फर्म बिजनेस मे बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल देम ऑल ऑफ देम देखिए फर्म का बिजनेस है या तो सारे पार्टनर साथ में चला सकते हैं या कोई एक पार्टनर सबके बिहार पे काम कर सकता है does the relation of principal and agent exist among the partners यानी कि पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप uh, रहता है जब uh, जो भी पार्टनर किसी फर्म uh, के पे चल रहा है तो वहां फर्म uh, तो हो गई आपकी प्रिंसिपल और जो पार्टनर उसको रन कर रहा है वो हो गया एजेंट एंड एग्जिस्ट एमंग पार्टनर एंड द लॉ ऑफ एजेंसी गवर्स दिस रिलेशन ये जो रिलेशन है एजेंट uh, और प्रिंसिपल का इसको लॉ ऑफ एजेंसी गवर्न करता है तो आंसर इसके इसमें आएगा आपका सी ओके okay, आंसर आएगा आपका सी प्रिंसिपल एजेंस एजेंट एंड एजेंसी नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है द फेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फॉर्म ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी फर्म अगर नॉन रजिस्टर्ड है देखिए पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी हो सकती है और नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकती है हम बैंकर कोई भी करंट अकाउंट ओपन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं मानते परंतु कोई भी लोन देना है तो हम चाहेंगे कि फर्म रजिस्टर्ड हो अब देखिए रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है वो इस क्वेश्चन में मैंने लिया है द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म एज कंटेन इन सेक्शन सिक्सटी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन क्या कहता है ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू द फर्म सू मतलब केस करना कोर्ट केस करना यानी कि अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर किसी पर भी केस नहीं कर सकता ये नुकसान है अनरजिस्टर्ड होने से दूसरा द फर्म कैन नॉट सू ए थर्ड पार्टी इवन पार्टनर भी सू नहीं कर सकता और फर्म भी सू नहीं कर सकती किसी थर्ड पार्टी पे माना उधार दे दिया और उसने पैसा पे नहीं किया तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है एनफोर्सिंग ए राइट अराइजिंग आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ए थर्ड पार्टी के अब देखिए मजेदार बात अगर आपकी फर्म ऊपर तो केस कर ही है आप थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते अगर फर्म, है तो इसलिए फर्म का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है तो इसमें आंसर आएगा, ये तीनों ऑप्शन सही है इसका आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ द्वेशन है friends, से समझ लें ओके नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री फर्म इज लाइबल फॉर लाइबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर सेक्शन 26 क्या कहता है कोई भी पार्टनर अगर कोई गलत काम करता है रॉन्गफुल एक्ट करता है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग उसके लिए फर्म लाइबल है या नहीं द एक्ट हैज डन इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तब अगर नॉर्मल कोर्स में कोई गलती हो गई पार्टनर से तो फर्म उसके लिए लाइबुल है यस एक्ट डन विद द अथॉरिटी ऑफ ऑल पार्टनर माना पांच पार्टनर है पांचों ने अथॉरिटी दे दी चार ने मिलकर पांचवें को अथॉरिटी दे दी तो उसने जो भी काम किया उसके लिए फर्म लाइबुल होगी बिल्कुल ठीक है एक्ट है पार्टनर्स मैंने एक ने काम किया और चार ने रेटिफाई कर दिया उसको यस yes कर दिया कि हाँ आपने जो किया है, वो सही है। तो भी फर्म लाइबल होगी तो एनी ऑफ दिनों केसेस में फर्म लाइबल होगी ओके तो फर्म इज लाइबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर पार्टनर से कोई गलती हो गई तो फर्म किस केस में लाइबल होगी तो यहां तीनों केसेस में फर्म लाइबल हो गई ओके now come to next question that is question number 4 the different mode of retirement देखिए एक फर्म में से अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो क्या-क्या मोड हो सकते हैं विद एनी विद एनी वन एनी टाइम विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर यानी सारे पार्टनर्स की कंसेंट है तो वो रिटायर हो सकता है बिल्कुल ठीक है भाई एग्रीमेंट बिटवीन माना इनके बीच में एग्रीमेंट है कौन कब रिटायर होगा तो भी रिटायर हो सकता है व्हेन पार्टनरशिप इज एट विल माना जो पार्टनरशिप बनी है वो विल से बनी है तो ए, ए पार्टनर में रिटायर बाई गिविंग ए नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स तो विल से जो पार्टनरशिप बनी है उसमें एक नोटिस देके भी पार्टनर पार्टनरशिप से अलग हो सकता है तो ये सारे केसेस सही है तो आंसर आ जाएगा आपका एनी ऑफ ओके तो ये क्वेश्चन नंबर चार है आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन बी बाई वे ऑफ डिजोल्यूशन कैसे हो सकती है कोई भी पार्टनरशिप में खत्म करनी है तो एग्रीमेंट से भी डिजॉल्व कर सकते हैं पार्टनरशिप को कंपलसरी डिजोल्यूशन भी हो सकता है कंटेंजेंसी में भी डिजोल्यूशन हो सकता है एनी ऑफ दीज पार्टनरशिप किसी भी तरह से डिजॉल्व हो सकती है ठीक है अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स हां मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों हमारी वीडियो लाइब्रेरी है जिसमें डिटेल वीडियो हमने मैकमिलन की बुक के हिसाब से दिए हुए हैं ये वीडियो लाइब्रेरी आपको अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे डब्ल्यू 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 डॉट मोटिवेशनल बैंकर डॉट कॉम डब्ल्यू 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 डॉट मोटिवेशनल बैंकर डॉट कॉम पर उपलब्ध है बेस्ट कंटेंट है मॉक टेस्ट दिए हुए हैं पी डी एफ नोट्स दिए हुए हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं हर चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स दिए हुए हैं सिंपल अंडरस्टैंडेबल हिंदी में हिंदी में इंग्लिश में सारी स्लाइड्स इंग्लिश में है सारा कंटेंट इंग्लिश में है सारा पीडीएफ इंग्लिश में है एक्सप्लेनेशन जिस भाषा में हम, हम आपको ये वीडियो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है आप देख रहे हैं ट्रिपल नाइन रुपीज में तीनों पेपर आपको मिल जाएंगे तो आप चाहें तो ये वीडियो लाइब्रेरी हमारी रेफर कर सकते हैं आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी इससे ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ए कोर्ट ए कोर्ट में चूज टू डिजॉल्व ए पार्टनरशिप फर्म अंडर विच ऑफ फॉलोइंग कोई केस माना कोर्ट में चला जाता है पार्टनरशिप फर्म पे कोई केस कर देता है कि इस फर्म को डिजोल्व करना है तो कोर्ट किस केस में डिजोल्व कर सकती है इंसेंटिव ऑफ द पार्टनर कोई पार्टनर इंसेंट हो जाए पागल हो जाए तो डिजॉल्व हो सकती है परमानेंट इनकेपेबिलिटी ऑफ ए पार्टनर अदर देन द सुइंग पार्टनर जिसने केस किया वो नहीं कोई दूसरा पार्टनर परमानेंट इनकेपेबल हो गया तो भी उसको डिजोल्व किया जा सकता है मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टनर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करता है विच इज लाइकली टू अफेक्ट द बिजनेस जुडाशली यानी कि जो बिजनेस को एफेक्ट करे ऐसा कोई मिसकंडक्ट पार्टनर का उसकी वजह से भी पार्टनरशिप को डिजोल्व किया जा सकता है तो आंसर आएगा आपका एनी ऑफ दीजन से कोई भी एक्ट होने पर कोर्ट पार्टनरशिप को डिजोल्व कर सकती है माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इन ए फॉर्म बिकॉज ऑफ हिज एनेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉय आप एक बात ध्यान रखिए एनी कॉन्ट्रैक्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वाइड नल एंड वाइड तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट वो कोई भी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं हो सकता क्योंकि उसकी इनेबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबल नहीं है बट कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप परंतु उसको पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा सकता है विद द कंसेप्ट ऑफ ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म तो आंसर आ गया इसका

गुड से काम करना है जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आर क्या क्या ड्यूटीज हैं पार्टनर की आप देख लीजिए इसमें टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज कॉमन एडवांटेज से काम करेंगे सभी मिलकर फर्म के लिए टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर सब एक दूसरे के लिए फेथफुल रहेंगे टू रेंडर द ट्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू द अदर पार्टनर्स टू देअर रिप्रेजेंटेटिव पार्टनरशिप में पार्टनर्स को उनके रिप्रेजेंटेटिव को सारी जानकारी क्रिस्टल क्लियर देंगे ये पार्टनरशिप में पार्टनर्स की ड्यूटी है तो ये आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ तीज ठीक है पार्टनरशिप इज ए कॉन्ट्रेक्ट ऑफ उबेर रिमा फिदे मैंने बताया ये लेटिन वर्ड है इसका मतलब है अटमोस्ट गुड फेस से काम करना है एक दूसरे के इंटरेस्ट में काम करना है फर्म के लिए काम करना है फेथफुल रहना है एक दूसरे के लिए जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन क्लियरली स्पेल आउट करनी है किसी को पार्टनर को या उसके एजेंट को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को सब कुछ बता देना है ठीक है तो ये काम है इनका पार्टनरशिप में अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर नाइन एवरी पार्टनर इज बाउंड टू आइडेंटिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस एवरी पार्टनर इज बाउंड टू आइडेंट फाई सॉरी द फर्म एनी लॉस कोई भी पार्टनर फर्म को इंडेमनीफाई कर सकता है किसी भी लॉस के लिए कॉज्ड टू इट बाई हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म उसके फ्रॉड की वजह से फर्म को इंडेम्निफाई कर सकता है किसी भी लॉस के लिए दिस इज द एब्सोल्यूट ड्यूटी ऑफ पार्टनर एंड नो पार्टनर कैन कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ आउट ऑफ इट सेक्शन टेन कहता है कि कोई भी पार्टनर इससे अपने आप को बाहर नहीं कर सकता कोई भी पार्टनर जो फर्म के लिए काम कर रहा है वो कोई भी लॉस होने पर फर्म को इंडेमनीफाई कर सकता है तो यहां आएगा नो पार्टनर कैन कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ आउट ऑफ इट यानी कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ है ठीक है तो आंसर आ गया आपका कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ए पार्टनर इज तो एन एजेंट ऑफ ए फर्म एंड कैन मेक द फर्म लाइबल फॉर इजेक्ट हाउ एवर ए पार्टनर हु कॉन्ट्रैक्ट इन इज ओन नेम अगर अपने नाम में पार्टनरशिप के अलावा अपने नाम में कोई काम करता है इनकर से पर्सनल लाइबिलिटी कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी लेता है नॉट ए कलेक्टिव लाइबिलिटी ऑफ द फर्म जब वो अपने नाम में काम करता है तो उसके लिए वो पर्सनल लाइबिलिटी है फर्म की लाइबिलिटी नहीं है कलेक्टिव लाइबिलिटी ऑफ द फर्म नहीं है तो आंसर आएगा पर्सनल एंड कलेक्टिव ओके तो आंसर आ गया आपका पर्सनल एंड कलेक्टिव फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी तैयारी जोरदार चल रही होगी शानदार चल रही होगी और आप निश्चित रूप से एक ही अटैम्प्ट में जो नवंबर में हमारा अटैम्प्ट होने वाला है उसमें आपका एग्जाम बड़ी आसानी से क्लियर कर पाएंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और थम्सअप करना नहीं भूलें थैंक यू वेरी मच